your online classes. So today we are going to see multiple if else statement in shorthand. In our last class we have studied about the shorthand if statement and then shorthand if else statement. Now we will see multiple if else statement. So what exactly is multiple if else statement? As you know that to reduce the number of lines of code into one line, we use a shorthand multiple if else statement to run the code faster. So here we are going to compare simple multiple if else statement and the shorthand multiple if else statement. So here you can see a is equals to 30. 30 is a variable. 30 is a value which is stored in the a variable, and b is another variable which is store 30. Here the condition is if a is greater than b colon print true. Agar ye condition true ho jati hai to kya hoga, ye true ho jayega, else print equal, nahi to kya ho, print equal ho jaye. Aur jab humne ye to humne ek aise hi laga diya hai statement print equal, नहीं तो अंदर आके क्या करेगा स्टेटमेंट, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा एल्स के बाद. यहाँ पे ये बताएंगे कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है. अगर इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो जाए और एल्स का तो कोई मतलब नहीं है. मतलब ये बता रहे हैं अगर यहाँ पे इस कोड ऑफ ब्लॉक की कंडीशन आपकी फॉल्स होती है इफ की, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अब एल्स में प्रिंट फंक्शन हमने एक ऐसा फंक्शन दे दिया है कि वो एग्जीक्यूट होना ही होना है. आफ्टर दैट इफ में जाके कंडीशन को दोबारा चेक किया, इसी में एल्स के अंदर आके अब ये कंडीशन लगी है तो चेक तो होगी होगी. अब इसमें कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन भी रॉन्ग हो जाती तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फिर क्या एल्स वाला प्रिंट हो जाता. लेकिन अब ए इक्वल्स टू बी वाली कंडीशन ट्रू है इसलिए ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, और एल्स में प्रिंट हमने लगाया था तो ये वाला तो प्रिंट होना ही होना था, तो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ है. नाउ वी विल सी हाउ कैन वी रिड्यूस दिस मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट इन शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो हियर यू कैन सी ए इज इक्वल्स टू 30, बी इज इक्वल्स टू 30, देन प्रिंट ट्रू ऑफ इफ कंडीशन. दैट मीन्स अब ये कंडीशन यहाँ ये क्या बता रहा है कि हियर यू कैन सी हमने ए 30 बी 30, अब प्रिंट में क्या हुआ, ट्रू ऑफ इफ कंडीशन. तो सबसे पहले ये क्या बताता है कि हमने जब इफ कंडीशन दी है ना तो ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा अगर ट्रू हो जाती है इफ कंडीशन, जो कि इसका रोल करती है यहाँ पे. ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, इफ ए ग्रेटर देन बी, और कौन सा स्टेटमेंट जाएगा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला प्रिंट ट्रू ऑफ इफ कंडीशन. और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है तो ये एल्स ब्लॉक पे आ गए. फिर हमने क्या दिया, अब इफ कंडीशन दोबारा चेक होगी, जैसे कि पता है इफ से पहले हम प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं कि इक्वल प्रिंट हो जाए अगर इफ इक्वल ए इक्वल्स टू बी है, ये वाली कंडीशन. ओके, तो क्या प्रिंट हो जाए, ये स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट हो जाए, एल्स में चला जाए तो एल्स में क्या हो गया, ये फिर प्रिंट बी. तो इस तरीके से ये मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को हमने एक वन लाइन में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स यूज कर लिया है. Means, if, फिर else, फिर उसके अंदर एक कोड ऑफ ब्लॉक इफ एल्स का फिर यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा. नाउ वी विल सी द प्रैक्टिकल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. नाउ वी विल मेक अ प्रोग्राम हियर, ए इज इक्वल्स टू इंट input, enter a number, print
Because we take the input from the user at the runtime. That means we take the integer number from the user at the runtime. Then b is equals to int input enter another number. Print B. After that, now I am using print statement when our if condition is going to be true. Like print first if is true, then condition use करेंगे if a greater than b, else print statement use करेंगे, second if condition is true, then if statement कि a जो है वो छोटा है b से, else print nothing. Then save it and run the program. Enter a number that is 5, enter another number 6, second if condition is true. ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने पहली condition में क्या condition specify की है? हमने specify किया है कि a जो है वो बड़ा है b से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि हमने जो a बड़ा करा है तो यहाँ पे तो नहीं है, तो कहाँ चला गया? else block पे चला गया. और else block वाली कंडीशन क्या? else block में प्रिंट स्टेटमेंट है, और जैसा कि मैंने कहा अगर हम मल्टीपल if else स्टेटमेंट यूज करते हैं else के बाद वो कहाँ चला गया? इफ कंडीशन को चेक करेगा आके. अब वो एल्स के बाद इफ कंडीशन को चेक कर रहा है, तो क्या कर रहा है? ये इफ कंडीशन से पहले ये लगा देता है स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट. तो पहले इफ कंडीशन चलेगी कि ए छोटा है बी से, ट्रू हो गई, तो सेकंड इफ कंडीशन इज ट्रू. एल्स के बाद कहाँ पे आ गया ब्लॉक? एल्स के बाद सीधे कहाँ पे एग्जीक्यूशन आ जाता है? इफ कंडीशन को चेक करता है, फिर ये प्रिंट हो जाता है जो एल्स के बाद स्टेटमेंट हमने दिया है. अगर ये भी गलत होता, अगर इक्वल इक्वल्स में हो जाते ही, तो क्या था? नथिंग. नाउ विल सी मैंने दिया 5, तो क्या आ गया? नथिंग. सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द shorthand multiple if else statement. Now we will see pass a statement in our next class. Thank you, stay safe, and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you. And one of the most important thing is do the practice of more or more programs that is totally based on the if else statement.